एंड गेट देखते हैं, एंड गेट का सिंबल इसका ट्रुथ टेबल डायोड से कैसे बनाते हैं, ट्रांजिस्टर से किस तरह बनता है और इसकी आईसी कैसे पहचान सकते हैं आप। देखिए एंड जैसे इंग्लिश में होता है कि मतलब मी एंड यू, अगर दोनों बंदे होंगे तो काम होगा। जैसे फर्ज करें आपने कोई टेबल उठाना है तो हम दो बंदे होंगे तो ही टेबल उठाया जाएगा। तो एंड जैसे सिंपल इंग्लिश का वर्ड है बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब दोनों की दोनों इनपुट्स हाई होती हैं तो तब आउटपुट हाई होती है, जब दोनों में से कोई एक बंदा काम करने वाला ना हो तो काम नहीं होता। ठीक है, जब दोनों में कोई दोनों इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हाई होगी, अगर कोई एक भी इनपुट लो होगी तो आउटपुट लो हो जाएगी। ठीक है, ये इसका ये इसको y इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसको हम इसका बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। ये जो इसका सिंबल है एंड गेट का, इसमें दो इनपुट्स हैं ए और बी और y क्या है आउटपुट है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब देखिए जब दोनों के ऊपर जीरो जीरो इनपुट होती है तो आउटपुट भी जीरो होती है, जब किसी एक के ऊपर इनपुट वन हो जाए तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर दूसरी इनपुट वन हो जाए पहली जीरो हो जाए तो भी आउटपुट जीरो ही रहेगी, आउटपुट तब वन होगी जब दोनों की दोनों इनपुट्स वन होंगी। ठीक है, इसमें आउटपुट हाई तब होती है जब दोनों इनपुट हाई होती हैं, तब आउटपुट हाई होती है। ठीक है, जैसे एंड में सिंपली आपने क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू अटेम्प्ट करना है, अगर आप दोनों अटेम्प्ट करेंगे तो ही आप क्या अगर टीचर की बात मानेंगे या आप सही आपका काम पूरा होगा। रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट यूजिंग डायोड, अच्छा डायोड को इस्तेमाल करते हुए हम एंड गेट बनाते हैं। ठीक है, अब देखें ये दो डायोड है, इसके ऊपर यहां पे ये साइड इसकी एनोड है, ये साइड इसकी कैथोड है, यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज देते होते हैं, यहां पे नेगेटिव या ग्राउंड देते हैं, इस तरह यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव या ग्राउंड देते हैं। अब इसको यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज दिए गए हैं, ठीक है, जब तक यहां पे ग्राउंड ना दिया जाएगा ये कंडक्ट नहीं करेगा, और जब तक इस पे ग्राउंड नहीं देंगे ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जब इसको ग्राउंड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, सारे की सारी सप्लाई यहां से क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, अब जब दोनों को ग्राउंड नहीं करेंगे यानी कि दोनों के ऊपर वन वन देंगे तो तब ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा। जब दोनों के ऊपर वन वन देंगे यानी कि किसी को भी ग्राउंड नहीं करेंगे, ग्राउंड का मतलब जीरो। ठीक है, जब दोनों में से किसी को भी ग्राउंड नहीं करेंगे तो तब ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा, ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा, तो यहां से जो इसके यहां से जो सप्लाई हम दे रहे थे वो आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, आगे इसको देखें, देखिए फर्ज करें हमने क्या किया, दोनों को ग्राउंड कर दिया यानी कि दोनों पे जीरो जीरो वोल्ट दे दी, दोनों पे जीरो जीरो वोल्ट दे दिए तो ये डायोड क्या हुआ, यहां से कंडक्ट कर गया। ठीक है, जब डायोड ये वाला भी कंडक्ट कर गया, ये वाला भी कंडक्ट कर गया, अब सारे वोल्टेज जो यहां पे थे वो सारे इस रस्ते ग्राउंड हो गए, सारे ग्राउंड हो गए। अब देखें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हैं जो रेड से लगे हुए हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, इन तीनों के ऊपर जीरो वोल्ट है तो आउटपुट कितनी हो जाएगी, जीरो। क्योंकि देखें ना, जब एक डायोड जब डायोड के ऊपर इस साइड पे देखें, डायोड के जब यहां पे जब हम ग्राउंड करेंगे तो सारी सप्लाई इस रस्ते ग्राउंड हो जाएगी, जब चाहे एक करें या दो करें। ठीक है, इसमें दोनों ग्राउंड किए तो इस ये दोनों दोनों कंडक्ट करके तो सारी सप्लाई यहां से ग्राउंड हो जाएगी, अगर एक के ऊपर जीरो करेंगे तो सारी सप्लाई एक डायोड के रस्ते ग्राउंड हो जाएगी, इसी तरह दूसरे वाले को ग्राउंड करेंगे तो दूसरे के रस्ते ग्राउंड हो जाएगी। सिर्फ आउटपुट तब आएगी जब इसको पे भी वन देंगे, इस पे भी वन देंगे, जब इस पे वन और इस पे वन देंगे यानी कि हाई हाई सप्लाई देंगे तो ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा और ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा, ये अपने अंदर में से करंट नहीं गुजरने देगा, ये भी करंट नहीं गुजरने देगा, तो तब ये वाली सप्लाई जो है यहां पे मीटर की मदद से आप आउटपुट पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो दोनों को ग्राउंड किया तो आउटपुट क्या है, जीरो। अगर एक ग्राउंड हो जाए तो भी बात है कि इस रास्ते सारा सारा करंट नीचे चली जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी, आउटपुट फिर भी जीरो रहेगी। इसी तरह अगर दूसरे पे जीरो दें, पहले पे वन दें, देखिए वन दिया इस पे ना, इस पे वन दिए, वन इस केस में यहां पे वन दिए और यहां पे ग्राउंड किया, जीरो दिया, जब इस पे जीरो दिया तो इस रास्ते सारी करंट ग्राउंड होगी, जब दूसरे पे जीरो दिया तो इस रास्ते सारी करंट ग्राउंड होगी। ठीक है, अब दोनों पे वन वन देंगे ना, ये भी वन देंगे, ये भी वन देंगे, ये भी ओपन सर्किट हो गया, ये भी ओपन सर्किट होगा, जब ये भी ओपन सर्किट होगा तो इसमें से भी करंट नहीं गुजरेगी, इसमें से भी नहीं गुजरेगी, तो तब जाके कहीं आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट मिलेंगे या आउटपुट 1 होगी।
ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की मदद से इसको कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें तीन ट्रांजिस्टर लगते हैं। ठीक है, पहले सप्लाई ली, एक ट्रांजिस्टर, एक रजिस्टर लिया, आगे ट्रांजिस्टर लगा के उसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, दूसरी तरफ क्या किया, एक रजिस्टर लिया वहां से, सॉरी, अच्छा देखिए हम कह रहे थे इसमें तीन ट्रांजिस्टर लगे, एक पहले वाला ट्रांजिस्टर, दूसरे दोनों आपस में सीरीज में लगे। ठीक है, अब यहां पे ये एक इनपुट है, ये दूसरी इनपुट है, यहां पे आउटपुट है। अगर आप इसको देखें तो इस ट्रांजिस्टर में जिस ट्रांजिस्टर के ऊपर सप्लाई देंगे वो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। देखिए ट्रांजिस्टर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आप इसके जब बेस के ऊपर सप्लाई देते हैं तो तब ये एमिटर और कलेक्टर के बीच में ये इसमें फ्लो ऑफ करंट होता है। इस तरह यहां पे भी यही सीन होगा। अब जब इसके ऊपर सप्लाई देंगे तो ये कंडक्ट करेगा, जब इसके ऊपर सप्लाई देंगे तो ये कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब देखें दो ट्रांजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, ये एक कंडक्ट कर जाए तो करंट यहां से आके अगला कंडक्ट नहीं करेगा तो इधर रुक जाएगी। अगर दूसरे वाले केस में दूसरा ये वाला यहां पे सप्लाई यहां पे देंगे तो ऊपर वाला कंडक्ट नहीं करेगा तो नीचे वाले इसके कंडक्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये फायदा इसमें तब होगा जब दोनों के दोनों कंडक्ट करें, क्योंकि दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए, जब इस पे भी वन होगी इस पे भी वन होगी तो तब ये भी कंडक्ट करेगा ये भी कंडक्ट करेगा। ठीक है, जब दोनों दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेंगे तब ये हमें रास्ता क्लोज मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात समझ आई आपको, बाकी आगे चल के मैं आपको बताता हूं। अब देखें इसके दोनों के ऊपर कोई सप्लाई नहीं दी, पहला भी ऑफ रहा दूसरा भी ऑफ रहा। ठीक है, जब पहला और दूसरा ऑफ रहा तो करंट जो यहां से आ रही थी उसने मुतबादर रास्ता इख्तियार किया, यहां से इधर चली गई। ठीक है, इधर से जब गई तो इस बेस के ऊपर चली गई, इस बेस के ऊपर इसने क्या किया, इस ट्रांजिस्टर को ऑन करवा दिया। जब इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने लग पड़ेगा। अब जब ये कंडक्ट करेगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह हो जाएगा, तो ये वाले ये वह सारा रास्ता शॉर्ट हो गया, ये रेड वाली लाइन। ठीक है, जब ये शॉर्ट हो गया तो यहां पर भी जीरो वोल्ट है, यहां पर भी जीरो वोल्ट होंगे। इसी तरह जब एक के ऊपर सप्लाई देंगे, जब एक के ऊपर सप्लाई देंगे तो ये ऑफ है ये ऑन है। ठीक है, एक के ऑन होने से कोई हमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि देखें ये ऑफ है, यहां से रास्ता बंद है, आगे से रास्ता खुल होने का कोई फायदा नहीं। तो वही करंट इस रास्ते जाके इस ट्रांजिस्टर को ऑन करवा देगी, जब इस ट्रांजिस्टर को ऑन करा देगी तो ये आपस में शॉर्ट है, यहां पर भी जीरो वोल्ट है और आउटपुट पे भी जीरो है। ठीक है, जब दोनों और इनपुट जीरो जीरो थी तब भी आउटपुट जीरो हो गई, जब दोनों में से एक इनपुट जीरो है और दूसरी वन है तब भी आउटपुट जीरो है। इसी तरह इसकी बजाय अगर ये ट्रांजिस्टर अल्टरनेट ऑन कर दें, पहला छोड़ के दूसरा ऑन कर दें और दूसरे वाला ऑफ कर दें तो क्या हो जाएगा, पहली ऑफ हो जाएगा दूसरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेंगे तो तब इधर से करंट आएगी, वरना सारी करंट इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करवाती रहेगी। जब इसको कंडक्ट करवाती रहेगी ये ऑन पोजिशन में रहेगा तो ये वाला ग्राउंड पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आउटपुट पे आपको कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। अब देखें दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए, यहां पे भी 5 वोल्ट दे दिए, यहां पे भी 5 वोल्ट दे दिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हमें उसके बैरियर वोल्टेज यानी 0.7 या 0.37 ज्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है, हम 5 दे रहे हैं, ये भी ऑन होगा ये भी ऑन होगा। जब ये ऑन हो गया तो इधर वाली करंट क्या हो जाएगी, इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी। अब यहां से इस रजिस्टर वाले देखना, ये रजिस्टर ज्यादा है, इस रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा है, तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। यहां से नीचे सीधा सीधा शॉर्ट सर्किट हुआ पड़ा होगा तो सारी करंट इस रास्ते ग्राउंड हो जाएगी, इस ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा, इस ट्रांजिस्टर की बेस की इस तरफ करंट नहीं जाएगी। जब ये नहीं जाएगी तो ये वाला ट्रांजिस्टर क्या रहेगा, Q3 ऑफ रहेगा। जब Q3 ऑफ रहेगा तो फिर यहां पर जीरो वोल्ट नहीं होगी, यहां पे इधर वाले जो ऊपर वाले 5 वोल्ट हैं वो यहां पे रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके यहां के ऊपर आउटपुट हाई हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह तीन इनपुट वाला होता है, तीन इनपुट में क्या करते हैं, दो इलादा से ले लिए और तीसरा, मतलब तीन इनपुट वाला नॉर्मली वही सीन होता है, दो लगा लिया आगे एक और लगा के तीसरी बना ली। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल वही सिस्टम होता है, आउटपुट हमारी 1 तब होती है जब सारी की सारी इनपुट 1 हो ना तो आउटपुट 1 होती है।
एंड गेट में जब सारी इनपुट्स वन होती हैं तब आउटपुट वन होती है, अदरवाइज आउटपुट जीरो होती है, चाहे जितनी मर्जी है इनपुट का हो, तीन का हो या दस का हो। अच्छा, इसकी आईसी देखें, इसकी जो आईसी होती है 7804, ठीक है, 78LS04 भी होता है। यहां पे ना बीच में को वर्ड लिखा होता है, बाद दफा LS लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है, आपने पहला और आखिरी डिजिट देखना होता है, 7804 इसकी आईसी। आईसी देखते कैसे, आईसी में ना यहां पे कट सा लगा होता है, यहां पे आईसी को जब सामने रखते हैं तो ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं पिन आती है, सातवीं पिन इसकी ग्राउंड होती है, इस तरह आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं तेरहवीं चौदहवीं, चौदहवीं के ऊपर आप 5 वोल्ट देते हैं, VCC देते हैं, ठीक है। अगर यहां पे पहले दो के ऊपर इनपुट दें तो तीसरी के ऊपर हम आउटपुट ले सकते हैं, जैसे ये देखें आगे LED लगा के आउटपुट ली हुई है, ठीक है, दो के